नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से जो कि फरुखाबाद से है। फरुखाबाद में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जल स्तर और खतरे के निशान से 10 मिलीमीटर दूर है। और वहीं आपको बता दें गंगा का जल स्तर पांचल घाट में 137 मीटर, रामगंगा नदी का जल स्तर 136 मीटर और 4 दर्जन गांव के डूबने की आशंका। ग्रामीण घर छोड़कर सड़क पर रहने को मजबूर। अभी तक गांव में नहीं पहुंची है प्रशासन की टीम। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर रामगंगा नदी का जल स्तर 136.70 मीटर और वहीं 4 दर्जन गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ढाई घाट किनारे के कई गांव बाढ़ की चपेट में भी आ गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर ढाई घाट किनारे के कई गांव बाढ़ की चपेट में। इसके अलावा आपको बता दें गंगा यमुना नदी का जल स्तर बढ़ गया है। और वहीं आपको बता दें ग्रामीण घर छोड़कर सड़क पर रहने को मजबूर हैं। और वहीं अभी तक गांव में नहीं पहुंची प्रशासन की टीम। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर लगातार बढ़ रहा है गंगा का जल स्तर और इसको लेकर प्रशासन ने निचले इलाके को खाली करने के भी निर्देश दे दिया। खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर दूर है जल स्तर और आपको बता दें 137.10 मीटर पर है खतरे का निशान। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर गंगा का जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और गंगा का जल स्तर पांचल घाट में 137 मीटर हो गया जबकि खतरे का निशान 136 पे ही है। और वहीं राम गंगा नदी का जल स्तर 136 मीटर तक पहुंच गया है। और वहीं आपको बता दें 4 दर्जन गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। करीब 48 गांव का संपर्क टूट चुका है और ढाई घाट किनारे के कई गांव बाढ़ की चपेट में भी आ गए हैं। और ढाई घाट किनारे के कई गांव से संपर्क टूटने के अलावा वो बाढ़ की चपेट में भी आए हैं और ग्रामीण घर छोड़कर सड़क पर रहने को मजबूर भी हो गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें अभी तक गांव में प्रशासन की कोई भी टीम नहीं पहुंची है कि उन्हें राहत मिल सके, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने निचले इलाके के घरों को खाली करने के निर्देश भी दे दिए। और वहीं आपको बता दें खतरे के निशान से सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूर है जल स्तर और वहीं आपको बता दें 137.70 मीटर पर है खतरे का निशान। और वहीं गंगा का जल स्तर पांचल घाट में 137 मीटर पर पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर रामगंगा नदी का जल स्तर 136.70 मीटर और वहीं 4 दर्जन गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट चुका है। और वहीं ढाई घाट किनारे के कई गांव बाढ़ के चपेट में भी आ गए और गंगा नदी के अलावा यमुना नदी का भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर ग्रामीण बाढ़ के चक्कर में घर छोड़कर सड़क पर रहने को मजबूर हो गए। और इसके अलावा आपको बता दें अभी तक गांव में प्रशासन की कोई भी टीम नहीं पहुंची है जिससे वो गांव के लोगों को बचा सके या उनके लिए कोई काम कर सकते। और वहीं आपको बता दें लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है जिसको लेकर 4 दर्जन गांव के संपर्क भी टूट चुका है। और वहीं ढाई घाट किनारे के गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 137.10 मीटर पर है खतरे का निशान और गंगा का जल स्तर पांचल घाट में 137 मीटर तक पहुंच गया, सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूर है खतरे के निशान से।